हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और मैं फिर से आ गई न्यू ब्लॉग के साथ। बट बिफोर स्टार्टिंग द ब्लॉग, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको मेरे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग मी एंड स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है डे आउट ब्लॉग। और आज मैं आपको कराऊंगी देहरादून का फेमस मार्केट, पल्टन मार्केट का टूर। हम लोग जा रहे हैं पल्टन मार्केट और वहाँ से मैं कुछ शॉपिंग करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। जो लोग देहरादून से बिलोंग करते हैं वो तो सब जानते ही होंगे पल्टन मार्केट के बारे में। यहाँ का काफ़ी फेमस मार्केट है और लोकल शॉपिंग के लिए, और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। और अगर आप कभी देहरादून विज़िट करते हैं तो आप ज़रूर पल्टन मार्केट ज़रूर विज़िट करिएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर। काफ़ी कम प्राइस में आप बार्गेनिंग करके काफ़ी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। और हम लोग पहुँच चुके हैं पल्टन मार्केट। और ये जो पल्टन मार्केट है ये ऑलवेज़ बहुत क्राउडेड मार्केट है वीक डेज में, और वीकेंड्स में हमेशा यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। और अगर आप कभी देहरादून विज़िट कर रहे हैं तो पल्टन मार्केट से शॉपिंग ज़रूर करिएगा। यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बार्गेनिंग करके आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। और विंटर्स का टाइम है तो इस टाइम यहाँ पर वूलन्स की बहुत अच्छी मार्केट लगती है। आप काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छे अच्छे वूलन्स यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और हम भी यहाँ पर कुछ वूलन देख रहे हैं, उसमें मैंने कुछ एक दो वूलन सेलेक्ट किए थे, वो मैंने परचेज़ किए थे इस स्टॉल से। जैसा कि आप देख रहे हैं इस शॉप से मैंने कुछ वूलन्स परचेज किए हैं। ये ब्लू कलर का एक पुलोवर लिया है मैंने वूलन, और एक ग्रीन कलर का स्वेटशर्ट लिया है, हुडेड स्वेटशर्ट। और इनकी जो क्वालिटी होती है वूलन्स की बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी के वूलन्स होते हैं, काफ़ी कम प्राइस में होते हैं। आप 200-300 के राउंड में आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पुलोवर, स्वेटशर्ट और नाइट सूट्स और जो विंटर वियर हैं आप यहाँ पर ले सकते हैं। वूलन ओवर कोट्स, कोट्स, जैकेट्स बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बस सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि सारे ही आपको लगभग अच्छे लग रहे होते हैं। हमने इसमें से कुछ एक आध सेलेक्ट किया और फिर फटाफट शॉपिंग की और आगे निकल गए। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं शूज़ की शॉप पर। यहाँ पर हम करेंगे कुछ शूज़ की शॉपिंग। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टॉक है विंटर वियर शूज़ का, जो ये फैदर शूज़ होते हैं, ये आजकल जो चल रहे हैं काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, वार्म करते हैं पैरों को। ये विंटर्स में आप इनको घर में पहनने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इनका सोल भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और काफ़ी अच्छे रहते हैं विंटर्स में। ये दो तरीके के ऑप्शन में अवेलेबल थे, हील ओपन वाले और पूरे कवर्ड वाले। मुझे ये चेरी, रेड चेरी कलर के जो ये सॉफ्ट शूज़ हैं विंटर वियर, ये मुझे अच्छे लग रहे थे, हमने ये लिए एक। और अदल्ट के लिए भी हम, बच्चों के साइज़ में भी अवेलेबल थे ये सॉफ्ट फैदर शूज़, तो एक पेयर हमने अदल्ट के लिए भी लिया। और ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी वार्म करते हैं ये पैरों को, तो एक पेयर हमने अदल्ट के लिए ये वाले शूज़ लिए। और एक पेयर हमने अदर के लिए स्पोर्ट्स शूज़ लिए ब्लू कलर के, ये भी इनका फिट भी काफ़ी अच्छा था। और ये यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं ये, बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ मिल जाते हैं। और यहाँ पर हर तरीके के शूज़ अवेलेबल हैं, लाइक पार्टी वियर, कैजुअल वियर। और यहाँ पर पार्टी वियर शूज़ का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था, तो मुझे ये गोल्डन कलर के सीक्वेंस वर्क के ये पार्टी वियर वैलीज बहुत अच्छी लग रही थी, और हमने किए एक पेयर ये भी परचेज किया यहाँ से।
और हम आ गए हैं पल्टन के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट लक्ष्मी रेस्टोरेंट में। ये काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है यहाँ का, सिंस 1946 से यहाँ पर है ये, और काफ़ी क्राउडेड रहता है, हमेशा वेटिंग रहती है यहाँ पर, काफ़ी देर आपको वेट भी करना पड़ सकता है कभी कभी। और हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था ये डोसा और छोले भटूरे। यहाँ पर यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा रहता है, अगर आप साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन फूड के शौकीन हैं, छोले भटूरे और डोसा इस तरह की कुछ चीज़ें पसंद हैं आपको, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और स्ट्रीट शॉपिंग करने आया इस तरीके की ज्वेलरी ना लें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर पल्टन में भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी इस तरीके की जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है बहुत ही अच्छा यहाँ पर मिलता है, जो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं आपके इसमें, इयररिंग्स के, नेकलेसेस के, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना सारे वैरायटी है इनके पास। और इसमें से मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट की थी, उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया था यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पर बैंगल्स हैं इनके पास, नेकलेसेस हैं, और इयररिंग्स का तो बहुत ही अच्छा स्टॉक था, काफ़ी सारे ऑप्शन थे, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्या लें क्या। और इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड में। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा। और ये मेरी वॉच का जो सेल ख़राब हो गया था वो मैंने रिप्लेस किया था यहाँ पर। और मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय, टेक केयर।